वहीं मसूरी से सटे जौनपुर में अगलाट नदी पर मौन मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में हजारों की संख्या में लोग एक साथ मछलियां पकड़ते हैं। दो साल बाद आयोजित ऐतिहासिक मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रिपोर्ट देखें। ऐतिहासिक मेला, हैरत अंगेज नजारा, मछली पकड़ने का अनोखा महोत्सव। जब नदी में कूदे 20,000 लोग, मसूरी से होकर गुजरने वाली अगलाड नदी के तट पर हजारों की भीड़ उमड़ी है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाए कि आखिर माजरा क्या है कि तभी लोग पीले रंग का पाउड नदी में डालने लगते हैं, जबकि तमाम लोग जाल के साथ पानी में पहले से ही उतर चुके थे। देखते ही देखते पूरी भीड़ पानी में कूद पड़ती है और लोग जब बाहर निकलते हैं तो हाथों में मछलियां होती हैं। यानी ये सभी लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। मच्छी का मेला एक ऐसा नहीं है कि मच्छी जो मिले सो मिले, लेकिन सिर्फ एक आपस के मिलन के लिए ये नंगा मेला है हमारा, इसमें कोई हमारा खर्च नहीं होता है। तस्वीरें मसूरी के अगलाड़ नदी पर आयोजित ऐतिहासिक मेले की हैं, जहां हर साल हजारों की संख्या में लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं और इस महोत्सव को मौड़ी मेले का नाम दिया गया है। पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी प्रांत है हमारे, यहाँ तो हिमाचल तक के लोग आते हैं और हमारे उत्तरकाशी टिहरी जिला ये सभी लोग, देहरादून जिले के सभी लोग यहाँ मच्छी मेले में आने। हम ग्रामीण पहले जड़ी बूटियों को पीसकर एक खास तरह का टिमरू पाउडर बनाते हैं, जिसकी मदद से इन मछलियों को बेहोश किया जाता है। फिर मेले में शामिल लोग इन मछलियों को पकड़ते हैं। इस बार मौड़ी मेले में उत्तराखंड हिमाचल से आए करीब 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।